ये थोड़ा सा और बल्किलेस लेके आएगा। अब मेरे ख्याल से अब ये हो गया है, अच्छा शेप आ गया, तो अब शायद अपने आप ही मोटिवेशन आ जाएगा। हाँ, अभी ये भी पहले फ्लैट जगह लग रहा था, बट अब नॉर्मल आ गया ना ये। हाँ। धीरे धीरे जो सिकड़ापन है ना, ये और भी बेटर हो जाएगा। और नॉर्मल 1 वीक के बाद जिम वगैरह जितना भी है वो सब स्टार्ट कर सकते। सो 3 वीक्स का रिजल्ट है, परफेक्ट शेप आ गया। यहाँ से देखिए प्रॉपर ये कहीं से कोई, और हीलिंग भी बहुत अच्छी है। सो अभी और भी बेटर रहेगा। पहले देखेंगे तो इस तरह का अपीयरेंस था। सो यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे ग्लैंड था, यहाँ तक ये फैट था, साइड में फैट था। सो अभी पूरा जैसे ये किया है तो ये देखिए पूरा नीचे जो लटका हुआ था बिल्कुल अच्छे से, ये स्किन कितने अच्छे से रिट्रैक्ट हुआ है। सो और कितने अच्छे से यहाँ से शेप आया है, पूरा जैसे ये हुआ है तो ओवरऑल ये अपर बॉडी स्ट्रक्चर का शेप चेंज हो गया है। तो इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेटिव सर्जरी है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लगता है, ओवरऑल इम्प्रूव हो जाता है। जैसे चेस्ट इम्प्रूव होती है, कॉन्फिडेंस में कोई इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली। वो ये जो क्लोथिंग वाला इशू था, क्योंकि वेट लॉस, मैं तो पूरा डिपेंडेंट था कि वेट लॉस से भी ठीक हो जाएगा, बट 7 मंथ्स जिम एंड पता नहीं कितनी कार्डियो कर ली अलग अलग टाइप की, बट ये सब अंदर चला गया। ये नहीं गया तो फिर फाइनली अब जब देखा तो कैसा लगा? काफी इंप्रेसिव लगा। अभी मैं जाके बिना स्टिचेस के देखूंगा तो आप धीरे धीरे रोज कितनी बार देखते हो दिन में? जब जब उसमें कौन बारी बार पहने, तो मैं एक बार दो बार जब मसाज करता हूँ। पहले हमेशा इससे नफरत होती थी। हाँ, मतलब कि ये चीज क्यों दे रहा है ना? जब ये नहीं गई ना तब मेरे को हो गया यार, अब कुछ करना पड़ेगा। सो सर्जरी सक्सेसफुल है, सर्जरी इज द ओनली सॉल्यूशन अगर है गायनेकोलॉजी। सो ये प्रूव होता है बेसिकली, एंड हजारों ने सर्जरी कर चुके हैं, एंड जो है इनका रिजल्ट देख सकते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं जिसको गायनेकोमास्टेक्टॉमी प्रॉब्लम है? आई थिंक अगर आपको गायनो एंड आपको पता है या नहीं भी पता है तो एक बार तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। कोई भी डॉक्टर से। एंड अगर वो बोल रहे हैं गायनो है तो आप कितना भी जिम कर लो, मैंने बहुत करा है, 3-3 घंटे भी करा है रोज के, बट वो नहीं जाएगा। ठीक है, थोड़ा शेप जरूर आ जाएगा आसपास की मसल्स, ये ऊपर मसल बनेंगे लेकिन वो ग्लैंड और फैट नहीं जाता, ये वाला पोर्शन, क्योंकि इतना शेप नहीं आएगा। नहीं, इतना तो बिल्कुल कभी नहीं आएगा। एग्जैक्टली, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कितना मर्जी जिम करो, ये सर्जरी करानी पड़ेगी। और सर्जरी ऐसी कोई डरावनी नहीं है, कोई स्कार ऐसा विजिबल नहीं है। फर्स्ट 1-2 डेज थोड़ा सा डाउन टाइम जरूर रहेगा, क्योंकि है तो सर्जरी, 1 वीक डाउन टाइम रहेगा, लेकिन परफेक्ट रिजल्ट आ गया है, परफेक्ट शेप आ गया है। सो ही इज हैप्पी एंड कैन वेयर एनी टी-शर्ट और छोटी छोटी भी स्लीवलेस वगैरह भी पहन पाएंगे, एंड समर में इस बार रेडी हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।